शासकीय माध्यमिक शाला क्रमांक 3 में विद्यार्थियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। शासन की तरफ से विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा बच्चों का ब्लड टेस्ट एवं आंखों की जांच कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आज पुरानी तहसील अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला क्रमांक 3 वार्ड क्रमांक 12 में सभी बच्चों का स्वास्थ्य संबंधित परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम में नेतृत्व कर रहे लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसपी साकवार की टीम द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उनके साथ डॉक्टर सुधीर दुबे एवं डॉक्टर चौबे द्वारा नेत्र परीक्षण किया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साकवार ने कहा कि शासन की तरफ से समय समय पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। यदि कोई बच्चे को गंभीर बीमारी निकलती है तो शासन स्तर पर निःशुल्क इलाज किया जाता है। इस अवसर पर शासकीय माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक बंसीधर अहरवार, विष्णु दयाल शुक्ला, संदीप चतुर्वेदी, उमा खरे, निकिता गंगेले सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। सर, ये आज यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण रखा गया, किस उद्देश्य रखा गया? तो स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण साल में एक बार सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट का, सभी स्कूलों में किया जाता है। उसी के तारतम्य में ये स्वास्थ्य परीक्षण रखा गया है। आज जो है लगभग 60 बच्चों का यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सभी के ब्लड सैंपल लिए गए और आँखों की जाँच की गई और उनको आयरन टेबलेट खिलाने के लिए सभी को कहा गया कि हर मंगलवार को खाने के बाद आयरन टेबलेट जरूर सेवन करें, जिससे खून की कमी नहीं होगी और कमजोरी नहीं आएगी, आँखों में कमजोरी नहीं होगी, इससे उनको पढ़ने में भी मन लगेगा, स्वस्थ रहेंगे। अपने यहाँ लवकुश नगर में लगभग कितने स्कूलों में ये परीक्षण हो चुका है? सभी स्कूलों में, जितने अपने लवकुश नगर ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं सभी में स्वास्थ्य परीक्षण होता रहता है। कोई गंभीर बीमारियां से ग्रसित नहीं? जो भी गंभीर बीमारियां निकलती हैं तो उनको उपचार के लिए सलाह दी जाती है, जैसे आंखों में कमी निकलती है उनको चश्मा या जांच या ऑपरेशन की सलाह दी जाती है।